ये रही हमारी जिप्सी। इस जिप्सी की सबसे सही चीज जो मुझे लगी है, एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये पानी का चला जाता है जिप्सी में। अंदर देखो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी कैंपर दिखा ले पास से एक बार। पर एक बार दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। ये आप देख सकते हैं सब कुछ टॉक है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी कहीं भी खड़ी होगी ना तो आपको अलग दिखेगी, जस्ट बिकॉज सेमी हार्ड टॉप बनाया हुआ है। एनी मनाली में पहली जिप्सी है। अब देखने में देखो, इसका सॉफ्ट टॉप है, उसका हार्ड टॉप है। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। रात को आए हुए थे, काफी थके हुए थे तो सो गए, अभी जस्ट उठे हैं। और ये रहे अश्विन भैया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया। और यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हो। वाह भाई, अभी क्या है, ये भी अपनी एडिटिंग शुरू करेंगे। मैंने भी अपना सेटअप लगा लिया, मैं भी एडिट शुरू करूंगा। तो आज हमारा क्या प्लान रहने वाला है? जिप्सी का बम्पर लगाना पहले तो निकाल दिया था। ठीक है, देखते हैं। विंच वाला बम्पर लेने का प्लान तो है, नहीं होगा तो फिर कंपनी वाले। देखो भाई ऐसा है, आपको जिप्सी वर्ड सुनने को मिल गया ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई अपना तो बस मसला सेट है आज का, तो आज आपको इसमें जो जिप्सी है वो दिखाएंगे। भाई साहब फिलहाल वीडियो एडिट करके रेंडर करके उसे लगा दिया है, तो अभी आपको एक बार ये बाहर के सीन्स दिखा देते हैं। भाई साहब व्यू देख रहे हो आप, घर के सेब हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है भाई साहब, इतनी खूबसूरत जगह। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं अभी गाड़ी वॉश करने के लिए। अच्छा, काफी ज्यादा गंदी हुई पड़ी। चलो तो निकलते हैं फिर, शूज वूज पहन लेते हैं और चलते हैं। ये वाली जो ट्रिप है इसमें अलग चीज ये रहने वाली है, जो हिमाचल का कल्चर वगैरह है, हर एक चीज है वो भी आपको देखने में मिलेगी। ये रही हमारी जिप्सी, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है ना, गाय फ्रॉम मनाली। और जिप्सी का कलर देखो भाई, इस जिप्सी की सबसे सही चीज जो मुझे लगी है, ये कौन सा कलर आप बोलते हैं इसको? फॉरेस्ट ग्रीन। ये आर्मी वाला है? ये नहीं, आर्मी वाला मिलिट्री ग्रीन आता है। हमारे जम्मू में तो इस तरह की मिलती नहीं है, और मैं थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर आया हूँ तो सांस फूल गई है। अभी इसे वॉश करवाएंगे और बाकी इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे अश्विनी भी है ना, तो उनका थोड़ा टूर एंड ट्रैवलिंग का रहता है, तो वो ये जिप्सी रेंट पे भी देते हैं। ये जिप्सी रेंट पे ही दे रखी थी, तो अभी ये वापस आई है, तो अभी इसमें देखना है कि क्या क्या चीजें करवाने वाली हो रखी। इसके आप टायर देख सकते हो, ये जो व्हाइट कलर का बीच में दिखता है ना रिम, ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ग्रीन और व्हाइट अच्छा है। रिपाल जो ऊपर लगा है ब्लैक कलर का, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब बंपर इन्होंने निकलवाया हुआ है, तो आज बंपर देखते हैं। जहाँ तो इसका जो स्टॉक वाला बंपर है वही लगाते हैं, नहीं तो अगर इसका कस्टम वाला बंपर हमें मिलता है जिसमें विंच लगती है वो अभी लगा सकते हैं। आज मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि मैं जिप्सी ले रहा हूँ, मुझे ये जिप्सी पसंद है। अभी ऑडियंस अनाय हो चुकी है इस चीज से कि मैं हर बार ये कहता हूँ कि मैं जिप्सी ढूंढ रहा हूँ, लेता नहीं हूँ गाड़ी, सिर्फ गाड़ी दिखाता हूँ। तो अब से ऐसा है कि अब से ना तो कोई जिप्सी हंट होने वाली है, ना कोई जीप हंट होने वाली है। जिस दिन आएगी उसी दिन आपको पता चलेगा, ठीक है? ऑडियंस नाराज नहीं होनी चाहिए भाई, तो सबसे बड़ी चीज वही है। हाँ जी, क्या करने वाले? नहीं नहीं, अंदर नहीं दिखाएंगे हम। अच्छा, अंदर नहीं दिखाना? ये हाल क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ ही खोल दिया, क्या किया? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या करें, इतनी परफेक्ट है। तो अभी एयर प्रेशर चेक किया जाएगा, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा ज्यादा है, और उस बारे में बहुत कम हो गया। और जो पेट्रोल पंप में ही होते हैं ना, ये ज्यादा परफेक्ट चल। चलो उसमें लगाओ 13, देख रहे हो आप कितना फर्क था। तो भाई सब जिप्सी वॉश होके एकदम रेडी हो चुकी है, चमचमाती हुई। एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ नीचे देखो, ये देखो ये पानी का चला जाता है जिप्सी में। जिप्सी के लिए नॉर्मल है ये, क्या है? अंदर पानी मारते हैं ना यहाँ, इससे चला जाता है। ये ऊपर दिख रहा है आपको, और पानी थोड़ा थोड़ी है, अभी बहुत निकलेगा, मैं पकड़ के रखूंगा। मैं पूरा भर गया जैसे। अंदर देखो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो सीट्स है ना, ये लगी हुई है स्कॉर्पियो की, इसको पूरा रिस्टोर हम कर रहे थे। हाँ। जिप्सी में कंपनी से ना सिर्फ ये वाली जो प्लेट होती है ये आती है, ठीक है? बट हमने लगाने से पहले इसकी एडजस्टमेंट ले ली थी, और ये जो प्लेट पीछे है ना उस साइड भी हमने ये किया है, ठीक है? ये प्लेट लगा दी थी और इसके ऊपर पूरा पेंट मार दिया था नीचे से, ठीक है? और मेरी गाड़ी में एक चीज है कि पूरे में पेंट हुआ है, डैशबोर्ड उसने निकालना। कंफर्टेबल है ये? बहुत कंफर्टेबल। जो जिप्सी की ओरिजिनल आती है वो नहीं होती है, वो बिल्कुल भी नहीं है। या फिर i20 की लगानी चाहिए, क्विड की लगानी चाहिए, और स्कॉर्पियो की ज्यादा लोग लगाते नहीं है। ये सेटअप करना पड़ेगा, करना पड़ता है। गाड़ी हो चुकी है एकदम रेडी वॉश वूश करके, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल जिप्सी यहाँ पार्क हो जाएगी और अपनी हिमालयन वो पीछे खड़ी है। तरुण भाई का फेवरेट डायलॉग है जी। हाँ जी, नोमी। ये नोमी वो बेला ऊपर। ओके, तो वहाँ आपको ऊपर बेला दिख रही है, वो बेला। और ये है जी मिश्का और वॉस्को। हाय हाय मिश्का।
भैया फिलहाल आ चुका है हमारा लंच। इस बार की ट्रिप की ना सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? होटल वोटल में नहीं रुक रहे, क्योंकि उससे ना आपको वो चीजें जो आप देखना चाहते हो ना, जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो चीजें आपको नहीं मिलती। भैया के घर पे ही रुका हूँ, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। घर की वाइब भी बड़ी अलग सी है, बिकॉज हमारे वहाँ घर अलग टाइप के होते हैं। ये चीज थी जो मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहता था और वो मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये देखो भैया भी आ चुके हैं, चलें शुरू। फिर पहुंच चुके हैं अश्विनी भाई के होम स्टे में। तो अगर भाई कोई मनाली आता है तो वो यहाँ भी रुक सकता है। तो अभी हम वीडियो अपलोड करने के लिए आए हैं। फिलहाल हमने वीडियो अपलोड कर ली है, तो अब यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं अभी जिप्सी का बम्पर लगवाने जाएंगे या क्या करने जाएंगे, जो भी है। तो ये ना वो कैंपर की लाइट है, तो अभी कैंपर दिखा लें पास से एक बारी। पर एक बार दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। देखो एक बार, दुख नहीं, दुख से भी बहुत ज्यादा बनता है लेकिन। और यहाँ पे एक जिप्सी तैयार हो रही है, मतलब मनाली में आपको कुछ और मिले ना मिले जिप्सियों की भरमार मिलती है। अरे भैया ये आप देख सकते हो इस साइड पे पलटी है ना, राइट साइड पे पलटी है। यहाँ दर्द हो रहा है भैया, ये देख के तो मुझे भी दर्द हो रहा है। यहाँ तो उनको नहीं होगा, सारा साइड लग गया ना ये सारा तो डेंटिंग का है ना, पार्ट्स बोले। केबिन इसका टेढ़ा हो गया है, पूरा केबिन टेढ़ा है। अच्छा केबिन ही टेढ़ा हो गया है, केबिन देखो ना यहाँ से भी टेढ़ा है। फ्रंट शीशा पीछे फट गया सारा। तो जैसे ना मुझे बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी करते रहते थे और कहते भी थे कि भाई बुलेरो कैंपर के साथ ऑफ रोड की एक वीडियो बनाई जाए, तो मेरा भी बहुत सारा मन था। मैंने कहा यार अश्विन भैया के पास है तो हम ना कैंपर पे भी एक ऑफ रोड वीडियो बना लेंगे। बट हमारी किस्मत और उनकी किस्मत देखो कि इस कैंपर का 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ है और आप इसकी हालत देख सकते हो। मतलब तो अभी इसे ठीक होने में 15-20 दिन लग जाएंगे। वो वाला प्लान तो हमारा ऑफ रोड का कैंसिल ही हो गया। और आज दूसरा काम ये था कि हमें ना जिप्सी पे बम्पर लगाना था, लेकिन वो बम्पर भी अभी लगा नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और उनके पास टाइम नहीं है बम्पर लगाने का। बहुत सी प्लानिंग सोच के बंदा आता है लेकिन चीजें वैसी नहीं होती जैसी आप सोचते हो ना। बस यहाँ से जा रहे थे तो एक गाड़ी हमें दिखी, तो हमने सोचा क्यों ना उस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो वैसा फिलहाल गाड़ी आपको सामने दिख रही है। देखो यार मैं ये बोलना छोड़ दूंगा कि भाई मैं जिप्सी ले रहा हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ, है ना। तो मतलब ये है कि देखो जिप्सी सबको देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और मुझे भी कोई अलग सी जिप्सी दिखती है ना उसको कवर कर लिया जाए। जैसे ये वाली जिप्सी है बिल्कुल स्टॉक है, बस इसमें जो डिफरेंसेस है ना, सबसे पहले तो इसका कलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपको दिख रहा है कि टायर भी इसके स्टॉक है, बिल्कुल स्टॉक टायर है ना, बिल्कुल स्टॉक है, बम्पर स्टॉक है, पूरी स्टॉक है, हाँ बम्पर स्टॉक है, सब कुछ स्टॉक है। लेकिन फिर भी ये गाड़ी कहीं भी खड़ी होगी ना तो आपको अलग दिखेगी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर। और उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे मेन चीज इस गाड़ी में दिखती है, इसका सॉफ्ट टॉप है। मतलब आप गाड़ी का ना इंटीरियर देखो, देख रहे हो, फील आ रही है आपको, नहीं आ रही है, सेमी हार्ड टॉप बनाया हुआ है। बाहर से तरपाल है और अंदर से आप देख सकते हो लोहे की शीट लगी है, पूरा लेदर लगा के कवर। ये चीज आप देख सकते हो, जैसे ना आपको दूसरी गाड़ी में तिरपाल दिखता है तो वो तिरपाल ही होता है, लेकिन ये हार्ड टॉप सेमी हार्ड इसको कह सकते हैं। और ये चीज काफी ज्यादा प्रैक्टिकल कहेंगे, और ये काफी जिप्सी में है नहीं, मनाली में पहली जिप्सी है। हाँ, जिसमें ये मतलब सेमी हार्ड टॉप आपको इस तरह से मिलता है। तो मेन यही चीज थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, डिफरेंट था, थोड़ा डिफरेंट था, बाकी तो बिल्कुल स्टॉक ही है। जो रॉड्स होती है ना, रॉड्स में लोहे की शीट इन्होंने पूरी बेल्ट करके बना दी है, उसके ऊपर ही रेक्सिन लगा दिया है, उसके ऊपर से तिरपाल आ गया। क्या बात है। बाकी देखो मैंने आज एक बार भी नहीं बोला कि मैं जिप्सी ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, ना मैं थंबनेल में डालूंगा। थंबनेल लेने के लिए दोनों जिप्सी कंपैरिजन का कुछ नहीं है, लगभग सेम है, दोनों जिप्सियाँ लगभग स्टॉक ही हैं। बस ये है कि इसका कलर थोड़ा सा अलग है, टायर इसके स्टॉक है और इसके थोड़े बहुत मॉडिफाइड वगैरह हैं। और हार्ड टॉप देखने में देखो, इसका सॉफ्ट टॉप है, उसका हार्ड टॉप है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल सेम है। ये रहता है सॉफ्ट टॉप, ये आपको दिख गया ना, ऊपर से देखने में ये ऐसा ही है लगभग, देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन तो ये फर्क जो मैं आपको मेन दिखाना चाहता था। सीट की अलाइनमेंट खराब हो गई है, अभी सीट की अलाइनमेंट भी सीधी कर लेते हैं, थोड़े बहुत गद्दा निकल गया इसका। पता नहीं आपको देखने में लगा नहीं लगा, लेकिन ये बहुत ही मशक्कत का काम था। और ये अभी आप देख सकते हो अभी भी चल रहा है, पिछली बार भी भाई ने मेरे को करके दिया था। निकल रहे हैं यहाँ से वापस और आप एक बार ना मार्केट देख सकते हैं, वहीं ज्यादा रौनक है, चहल पहल है, अच्छा लगता है। तो फिलहाल का सीन ऐसा है, एक्चुअली जो इनकी गाड़ी पे बम्पर नहीं ना लगा हुआ, तो वो बम्पर देख रहे हैं, ये बम्पर है विंच वाला, मतलब यहाँ पे अंदर विंच का भी ऑप्शन है, खैर इन्होंने लाइट्स लगवा रखी है, तो ये वाला बम्पर भी सही है। तो आपका जो पहले वाला था वो भी तो ऐसे ही था? नहीं, वो डिफरेंट था, इसमें उसमें एक्चुअली क्या था, सब कुछ सेम था ना। हाँ। ये थोड़ा सा चौड़ा है। अच्छा, और इसमें विंच लगाने का ऑप्शन है, तो हम ऑफ रोडिंग करते हैं उसके लिए विंच जरूरी है। हाँ, विंच जरूरी है। तो ये का पहले वाला था वो कितने का था? वो था 14,000 का था। हाँ। शिपिंग के साथ वो अब 16 का हो गया है। ठीक है, ठीक है। ये वाला 21 का, शिपिंग के साथ वही 22। अभी मंगवाने में टाइम लगेगा, कल तो हमने स्टॉक वाला ही लगाना है। क्योंकि ऐसे बम्पर के मंगाएंगे तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे। हाँ, क्योंकि बम्पर की मेरा थोड़ी सी अजीब लगती है, तो बस यही बम्पर देखने आ गए थे कि कैसा लगता है इस पे, तो एक गाड़ी पे यहाँ पे लगा हुआ था। आ चुके हैं वापस, आज का दिन आपको हमने पूरा दिखा दिया है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, मैंने जैकेट की टोपी भी पहन ली है,
तो बस आज के दिन के लिए इतना ही है। हाँ जी सभी, बाकी थ्रिल हम कल दिखाएंगे। बाकी सजेशंस देते रहो, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी लगेगा बताते रहना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, होपफुली आपको बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज बम्पर चम्पर आज कर नहीं पाए तो कल कर देंगे, और कल क्या पता यहाँ से कहीं निकल भी जाए। भाई अनप्लैंड चीजें ऐसी ही होती हैं। तो चलिए मिलते हैं कल। मैं हूं वो जो हूं मैं, मैं हूं वो जो हूं मैं, मैं हूं वो जो हूं मैं, सब भूल गए।